ओरछा धाम के लिए निकली खनियाधाना से युवाओं की साइकिलिंग टीम। खनियाधाना से सुबह सुबह भयंकर सर्दी में युवाओं से भरी 12 सदस्य साइकिल टीम ओरछा धाम के लिए निकल पड़ी, जिसमें साइकिल टीम के अध्यक्ष ने बताया कि ये टीम 12 सदस्य एक संदेश देना चाहती है, जिसमें युवाओं के लिए उन्होंने भोपाल के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, साइकिल का प्रयोग करें, क्योंकि आधुनिक दौर में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवा आए दिन कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये टीम पिछले 2-3 वर्षों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रही है। कहीं योग शिविर लगाकर, कहीं साइकिल टीम के माध्यम से लोगों को स्वस्थ निरोगी रहने का प्रयास करने का संदेश दे रही है। इसी क्रम में मनीष जैन ने बताया कि व्यक्ति जब स्वस्थ और निरोगी रहेगा तभी वह संपत्ति और संसाधनों का उपभोग कर पाएगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस धार्मिक भावना के अनुसार वह ओरछा धाम सरकार के दर्शन करेंगे। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। जा रही है आपकी, इसका क्या उद्देश्य, कब तक पहुंचेगी, कब से प्रारंभ हुई है? जी, अयोध्या में जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस उपलक्ष्य में हम लोग साइकिलिंग यात्रा कर रहे हैं। और यह है, आज हम लोग रात में बबीना पहुँचाएंगे, कल सुबह 10 बजे तक हम ओरछा धाम पहुँच जाएंगे और वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी विनती और नगर की खुशहाली के लिए उनसे विनती करेंगे। कब से ये खनियाधाना में आपकी साइकिलिंग टीम निरंतर लगी है? हमारी साइकिलिंग टीम नगर में तो पिछले 5 वर्षों से निरंतर चालू है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम अभी बना है। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को आप? ये इस टीम का एक ही संदेश है, ये यात्रा करने का भी एक ही संदेश है कि सभी लोग अपने प्रभु की आराधना करें और उसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य बनाएं, क्योंकि आज के समय में तेलीय चीजों का जो लोग सभी लोगों द्वारा ज्यादा भोजन पान किया जा रहा है तो उससे स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। आजकल नए नए बच्चे साइलेंट अटैक के द्वारा खनियाधाना में भी 2-4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए भाई, हम सभी साइकिलिंग टीम के लोगों का आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने प्रभु की आराधना करें और अपना अपना स्वास्थ्य भी बनाएं, जिससे आप लोग बीमारियों से दूर रहेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी संपत्ति अपने परिवार से भोग पाएंगे। अगर अपना स्वस्थ रहेंगे तो ना संपत्ति काम आएगी ना अपना परिवार काम आएगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आने वाले समय में खनियाधाना में और क्या प्रोग्राम करना चाहेंगे आप लोग? आने वाली हमारी पूरी जो टीम है, टीम का जो मार्गदर्शन मंडल है, भाई सब लोग बैठकर की चर्चा करेंगे। आगे हम योग दिवस योग शिविर लगाना चाहते हैं और भी कई प्रोग्राम करेंगे। गणतंत्र दिवस पर भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं। हमारी टीम के जितने लोग, धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है और सभी टीम के जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी टीम के साथी जो हैं, सब लोग बैठकर निर्णय लेते हैं। ऐसे समय पे हम हमारे दो नाम है माही साहू सर। ये आपकी एक टीम है साइकिलिंग टीम, ये कहाँ जा रही है और इसका क्या उद्देश्य है? साइकिलिंग टीम ओरछा धाम जा रही है। इसका ये उद्देश्य है सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की 22 जनवरी को हो रही है उसके हम सभी लोग सहभागिता उसके प्रदान कर रहे हैं। सभी हमें इस टीम में कितने सदस्य हैं? ये 12 सदस्यीय टीम जा रही है अभी। ये आपकी यात्रा ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? खनियाधाना से ओरछा धाम तक के लिए। ये आज यहाँ से स्टार्ट हुई है, ओरछा कब पहुँचेगी? ये 20 तारीख को पहुँच जाएगी ओरछा धाम।